बाइबल हमें बताती है कि हम सबको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम सभी ने पाप किया है। सभोपदेश 7:20 घोषणा करता है कि निःसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ है। 1 यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का एक कार्य है। भजन संहिता 51:4। परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर की क्षमा की अत्यावश्यकता पूर्वक आवश्यकता होती है। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम अनंत काल तक अपने पापों के परिणाम का दुख भोगते रहेंगे। मत्ती 25:46, यूहन्ना 3:36। क्षमा यह मुझे कैसे मिल सकती है? धन्यवाद की बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर है। 2 पत्रस 3:9 हमें बताता है कि पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने हमारे लिए क्षमा उपलब्ध की है। हमारे पापों के लिए न्यायोचित दंड केवल मृत्यु है। रोमियो 6:23 का आरंभिक हिस्सा ये बताता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे, अर्थात मृत्यु। 2 कुरिन्थियों 5:21 हमें शिक्षा देता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे। परमेश्वर के रूप में यीशु की मृत्यु ने समस्त संसार के पापों के लिए क्षमा का प्रबंध किया। 1 यूहन्ना 2:2 घोषणा करता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मुर्दों में से पाप और मृत्यु पर अपनी विजय की उद्घोषणा करते हुए जी उठे। 1 कुरिन्थियों 1:5, 1:2, 8।